दुनिया में आपका स्वागत करता हूं। ओके, आज हम लोग जो टॉपिक सीखने वाले हैं उसका नाम है पार्टनर फर्म एंड पार्टनरशिप। पूरे लेक्चर को हमने दो सेक्शन में डिवाइड किया है। सेक्शन ए जो दिख रहा है आपको, पार्टनर फर्म एंड पार्टनरशिप। जो नेक्स्ट सेक्शन आएगा सेक्शन बी, उसमें पार्टनरशिप के फीचर्स क्या है, पार्टनरशिप डीड क्या होता है, पार्टनरशिप डीड में क्या इंक्लूड होता है और पार्टनरशिप डीड जब साइलेंट हो तो क्या होता है, वो सीखने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, फर्स्ट कंसेप्ट पार्टनर। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि पार्टनर किसे कहते हैं। नॉर्मली हमें पता है कि जब एक पर्सन, एक इंसान जब दूसरे इंसान के साथ जुड़ जाए और वो दोनों कोई बिजनेस स्टार्ट करे तो हम कहते हैं पार्टनर। या तो कोई एक बिजनेस रनिंग है, वो रनिंग जो बिजनेस चल रहा है उसमें अगर कोई एक पर्सन जुड़ गया, उसको हेल्प करने लगा, प्रॉफिट में उसको हिस्सा मिलने लगा, तो पार्टनर बन गया। ओके, लेकिन यहां पे आपको हम बताएंगे कि पार्टनर होता क्या एक्चुअली। तो पार्टनर इज अ पर्सन, पार्टनर एक ऐसा पर्सन है हु हैज एंटर एग्रीमेंट विद द अदर टू कैरी ऑन अ बिजनेस। यानी पार्टनर एक ऐसा पर्सन है ओके कि जो बिजनेस में एंटर होता है विद द एग्रीमेंट, वो दोनों पर्सन या दो से ज्यादा लोग जो भी बिजनेस को चलाने के लिए एग्रीमेंट करना पड़ता है, एग्रीमेंट। तो जो एग्रीमेंट करेंगे फिर वो पार्टनर बनेंगे। ओके, बिना एग्रीमेंट के पार्टनरशिप है, लेकिन उसमें क्या हुआ, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने में, कैपिटल लाना ले जाना, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट, ड्रॉइंग के ऊपर इंटरेस्ट, उससे बहुत सारी मतलब मगजमारी होगी, तो वो ना हो इसलिए वो लोग रिटर्न एग्रीमेंट करते हैं पार्टनर का। ओके, तो ये जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट के थ्रू एक पर्सन किसी और पर्सन के साथ विद कैरी ऑन बिजनेस, बिजनेस चलाता है। एक भी पार्टनर दूसरे पर्सन के साथ हाथ मिला लेगा कि चलो हम दोनों मिलके कुछ नया करते हैं, कुछ बिजनेस करते हैं। जरूरी है कि दो पर्सन, दो से ज्यादा पर्सन भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और इस तरह से वो एक बिजनेस आगे लाने के लिए दो या दो से ज्यादा पर्सन मिलकर बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। क्लियर? सो पार्टनर एक ऐसा पर्सन है जो दूसरे पर्सन के साथ एग्रीमेंट करता है कि चलो मिलकर बिजनेस करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट अगर हम देखेंगे कि फर्म होता क्या है, फर्म एक्चुअली, तो फर्म मतलब हमें कॉमर्स में देखेंगे कि इंडस्ट्रीज होगा या कोई भी बिजनेस एंटिटी होगी, उसको हम नॉर्मली फर्म कहते हैं। तो यहां पर फर्म और पार्टनरशिप फर्म, फर्म को पार्टनरशिप फर्म भी कहेंगे। तो फर्म और पार्टनरशिप फर्म इज द बिजनेस एंटिटी, वो बिजनेस की ऐसी एंटिटी है कि व्हिच हैज बीन क्रिएटेड बाय द पार्टनर। पार्टनर एक दूसरे के साथ मिलके वो लोग जो नया बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं या तो पुराने बिजनेस को कैरी कर रहे हैं, वो तो वो जो यूनिट, वो जो फैक्ट्री, वो जो भी मतलब बिजनेस यूनिट है ओके, वो हुआ हमारे लिए क्या, फर्म। ओके, यानी एक पर्सन किसी पर्सन के साथ मिलके जो बिजनेस करेगा तो बिजनेस का जो यूनिट वहां पे एस्टैब्लिश हुआ, जो फैक्ट्री हुई ओके, वो है हमारे लिए बिजनेस फर्म यानी पार्टनरशिप फर्म, जिसमें वो लोग प्रोडक्शन या सर्विस प्रोड्यूस करेंगे। क्लियर? सो इट इज अ पार्टनरशिप फर्म। देन आप देखेंगे कि पार्टनरशिप होता क्या है एक्चुअली। पार्टनर तो देखा, लेकिन पार्टनरशिप होता क्या है, तो उसके लिए फ्रेंड्स सबसे पहले देखेंगे कि पार्टनरशिप की जो डेफिनेशन है वो हमारा अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो है 1932, उसके अकॉर्डिंग टू स्पेशली उसके लिए पार्टनरशिप की डेफिनेशन दी है कि पार्टनरशिप एक्चुअली होता क्या है। तो 1932 में जो पार्टनरशिप जो होता है उसकी जो स्पेशल डेफिनेशन भी है, उसके जो पार्टनरशिप इज अ रिलेशन, पार्टनरशिप एक ऐसा रिलेशन है इसके बीच में बिटवीन द पर्सन ऑफ टू, बिटवीन द पर्सन हु हैव एग्री टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरिंग ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मींस पार्टनरशिप एक ऐसा बिजनेस एंटिटी है कि जिसके अंडर में एक पर्सन का दूसरे पर्सन के साथ एक रिलेशन एस्टैब्लिश होता है, जिसमें वो लोग एग्री होते हैं उनका जो भी प्रॉफिट या लॉस हो उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, और इसी तरह बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। या तो बिजनेस के जो अलग अलग पार्टनर होंगे उसमें से कोई एक पार्टनर या ऑल पार्टनर बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। इट इज द पार्टनरशिप।
वापस सुनो, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 1932 पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन द पर्सन, पर्सन के बीच में ऐसा रिलेशन लेके हु हैव एग्रीड टू शेयर देयर प्रॉफिट, उनका जो प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एग्री हो जाए इन द बिजनेस कैरिंग ऑन बाय ऑल, चाहे वो सब मिलके बिजनेस चलाए और ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, और या तो फिर वो सबके बदले वो एक पार्टनर बिजनेस को चलाए और प्रॉफिट जो है पहले से जो डिसाइड होगा उसके रेशियो में वो बांटे, उस तरह से रिलेशन क्रिएट होगा एक पर्सन का, दो पर्सन, तीन पर्सन, बहुत सारे पर्सन जो होंगे उसके बीच में। ओके, सो ये है 1932 एक्ट के थ्रू ये पार्टनरशिप, कि पार्टनरशिप एक्चुअली होता क्या है, बिजनेस को चलाने के लिए एक पर्सन दूसरे पर्सन के साथ यहाँ पे जुड़ जाएगा और बिजनेस कैरी करेगा। क्लियर, आई होप ये जो फॉर्म है पार्टनर है, पार्टनरशिप क्या है वो आपको समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम देखेंगे कि पार्टनरशिप जो होगा उसके फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक होता क्या है। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।